नमस्कार दोस्तों। आलोक सब्लिमेशन टेक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि यूबी एक्रेलिक घड़ी पर फोटो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, वो भी सब्लिमेशन प्रिंटिंग के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये सीट है दोस्तों, ये एक्रेलिक सीट है और यूबी एक्रेलिक सीट है। ये पूरा टोटल ट्रांसपेरेंट, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आपको सीट मिल जाती है। ये देखिए, ये टोटल ट्रांसपेरेंट रहती है। हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर लगी हुई है ताकि इस सीट के ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। तो हम लोग प्रिंटिंग के पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके इसके ऊपर बहुत सारा डिजाइन किया गया है। जो इस पे डिजाइन की गई है, ये सारा जब इसके ऊपर हम लोग एलईडी के ऊपर लगाते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ ऊपर देखिए मैंने लगा के कुछ रखे हुए हैं सीट। जब इसके ऊपर इस तरीके से अगर आप सीट लगा देते हैं तो ये जो भी इसमें आप देख रहे हैं इसमें कस्टमाइज कटिंग हुई है, ये सब ग्लो करती है। तो किस तरीके से करती है और फोटो आपको किस तरीके से प्रिंट करना है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। तो देर ना करते हुए दोस्तों, हम लोग फटाफट इसको जो है ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको इसकी प्रोटेक्शन लेयर जो इस पर लगी हुई है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए, प्रोटेक्शन लेयर इसलिए रहती है दोस्तों ताकि आपकी सीड जो है डैमेज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसमें गंदी ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कटिंग जो है जिस तरीके से डिजाइन दिया, ग्लास की तरीके है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट है। देखिए, हम लोग पीछे का भी प्रोटेक्शन लेयर ये पीछे भी लगी हुई है। ये देखिए, आप लोगों को एकदम पारदर्शी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सीट को, एक्रेलिक सीट को, यूबी एक्रेलिक सीट। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्ड शेप में हमको प्रिंट करना है, तो मैंने हार्ड शेप को ये देखिए मैंने स्कैन करके इसको डिजाइन कर लिया है। और ये पिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिक आपको लगानी है। हम लोग फटाफट, ये देखिए मेरे सामने ये आपको पिक दिखाई पड़ रही है, हम लोग इसको उठाकर इजिली यहाँ पर इस हार्ड शेप के अंदर रख देंगे। तो ये देखिए, हम लोग इसको जो है थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग इसको सेट कर लेंगे पहले। ये देखिए, छोटा बड़ा आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से। हम लोग इसको जो है करके हार्ड शेप के अंदर इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सेट हो गया हम लोगों का हार्ड शेप के अंदर। अब हम लोग जो है इसको इजीली जो है क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव कर देंगे डेस्कटॉप के ऊपर। हम लोग यहाँ पर जिसपे प्रिंट करेंगे वो सब्लिमेशन पेपर है और सब्लिमेशन इंक की सहायता से हम लोग इसको प्रिंट करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको हार्ड शेप के अंदर डिजाइन किया, चूंकि हम लोगों को हार्ड शेप में इसको प्रिंट करना है तो फटाफट हम लोग इसको प्रिंट दे देंगे। सेटिंग कैसे करना है दोस्तों, अगर आइडिया नहीं है आपको तो इजीली मेरे ट्यूटोरियल वीडियो आप देख लेंगे तो वहाँ से आपका आइडिया ले जाए कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिंटर को सेट करके इस तरीके से प्रिंट देना है। तो मैं यहाँ पर देर न करते हुए दोस्तों प्रिंट दे दूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ ये देखिए दोस्तों, प्रिंट आउट हम लोगों का निकल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्लिमेशन पेपर पे सब्लिमेशन इंक की सहायता से हम लोगों ने प्रिंट को निकाल लिया है यहाँ पर। और ये सीट आप देख सकते हैं एक्रेलिक सीट है, जो कि ट्रांसपेरेंट यूवी एक्रेलिक सीट है। इसके ऊपर हम लोग जो है फटाफट यहाँ पर इसको जो है प्रिंट करके यहाँ पर सेट करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट आउट निकलने के बाद ये जो सीट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को कटी हुई सीट मिल जाती है, जिसके ऊपर यहाँ पर एक लेयर कोडिंग जो है लगा हुआ है। आपको यहाँ पर कुछ चिपकाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से इस तरीके से इजली सब्लिमेशन टेप की सहायता से इसको जो है हम लोगों को लॉक कर देना है। लॉक करके हम लोग इसको जो है प्रिंट दे देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग इसको लॉक करेंगे सब्लिमेशन टेप की सहायता से, बराबर में रख करके। इसको करने के बाद हम लोग इसको कट कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए, हम लोगों ने कटिंग कर लिया और टेप से इसको लॉक कर दिया। अब हम लोग चलते हैं मशीन के ऊपर, जहाँ पर इसको हम लोग हीट प्रेस मशीन के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग इस तरीके से मशीन को ऑन कर लेंगे और मोर की बटन प्रेस करेंगे। दोस्तों, मिनिमम टेम्परेचर जो रखेंगे 350, मैक्सिमम टेम्परेचर भी 350 और टाइमिंग दोस्तों 60 सेकेंड। इसी के अंदर हम लोग जो है ये जो हम लोगों का क्लॉक हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एक्रेलिक के लिए, इसके लिए हम लोग इस तरीके से इस टाइम और टेम्परेचर पे इसको, हम लोगों की हीट होना स्टार्ट हो चुकी है, हीट होने में कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सरफेस, इसके ऊपर हम लोग ये जो यहाँ पर इसको सेट किए हैं, हम लोग इसको उल्टा कुछ इस तरीके से रख लेंगे मिरर करके, मतलब उल्टा ये पेपर वाला भाग ऊपर की तरफ रहेगा। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो है टेफ्लॉन शीट को रख देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, मशीन भी रेडी हो चुकी है, हम लोग टेफ्लॉन शीट को सेट करेंगे इसके ऊपर पहले। ये देखिए, इस तरीके से टेफ्लॉन शीट को रखने के बाद हम लोग इसको प्रेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। लास्ट वाली बटन प्रेस कर देंगे,
टाइमिंग चलना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। जैसे ही ये 60 सेकंड आउट होगा, मशीन फिर से बीप की आवाज़ करेगी कंप्लीट होने का। हम लोग इसके अंदर से इस सीट को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर जो हम लोग यूवी एक्रेलिक सीट के ऊपर प्रिंटिंग का प्रोसेस। दोस्तों टाइम कुछ ही सेकंड बचा हुआ है इसको प्रिंटिंग होने में। ये देखिए टाइम ने बीप की आवाज़ कर दी मशीन ने। अब हम लोग इसके अंदर पहले मशीन को हम लोग ऑफ़ कर देंगे। मशीन को ऑफ़ करने के बाद हम लोग इसको जो है यहाँ से उठाएंगे। मशीन को हम लोग थोड़ा सा घुमा लेंगे, देखिए पूरा ये घूम रहा है। तो हम लोग जो है इस टेफ्लॉन शीट को पकड़ लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रिंट है। हम लोग इस प्रिंट को निकाल लेंगे यहाँ से, काफ़ी हीट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हम लोगों ने इसको जो है, ये हम लोगों का प्रिंट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इधर जो है हम लोगों ने इसको निकाल लिया। ये हम लोगों का सीट प्रिंट हो चुका है, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके ऊपर जो है एक ये कोडेड रहता है, इसके अंदर गम लगा हुआ रहता है पहले से। तो आपको इसके अंदर इसके ऊपर गम लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये निकल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर ये जो सीट है इसके ऊपर जहाँ पर हार्ड शेप ये कटिंग है, यहाँ पर हम लोग इसको बराबर में लगा देंगे। ये देखिए एक बार लगा देंगे दोस्तों तो ये निकलेगा नहीं, इसलिए आराम से इसको देख करके तब आपको इसको सेट करना है। ये देखिए हम लोगों की पिक लग गई यहाँ पर, ये देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर पिक को लगा दिया है। अब हम लोग चलते हैं फटाफट किस तरीके से आपको ये जो इसके साथ पूरा अटैचमेंट घड़ी का मिलता है इसको आपको कैसे सेट करना है। हम लोग फटाफट इसको सेट इस तरीके से पूरा घड़ी का अटैचमेंट आपको मिलेगा। ये बॉक्स के अंदर रहता है, बॉक्स मैंने ऊपर रख दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉक्स, ये वाइट कलर वाले बॉक्स हैं। यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर पूरा पैकिंग रहता है, मैंने सारा निकाल दिया है। अगर आप लोग लेंगे तो सारा पैकिंग के अंदर आपको मिलेगा ये। तो ये देखिए ये इस घड़ी को हम लोगों को यहाँ से निकाल लेना है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इस घड़ी को यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये आपको मिल जाएगा टाइट करने के लिए। इसको यहाँ पर इजीली लगा लेना है आपको, बराबर में रख करके इसको सेट करेंगे तभी ये सेट हो पाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको घुमा करके बराबर में सेट करेंगे तभी, चूंकि इस पे घाट बना हुआ है दोस्तों उसमें जब तक सेट नहीं होगा तब तक आप लोग इसको सेट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए इस पे बना हुआ है, हम लोग इसको उल्टा घुमा देंगे थोड़ा सा, ये टाइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इस तरीके से ये टाइट हो गया। देखिए ये देखिए ये इस तरीके से आपकी ये जो पीछे वाली मशीन थी ये टाइट हो चुकी है क्लॉक की। अब हम लोग फटाफट इसके ऊपर जो है सुई को इंस्टॉल कर देंगे। फटाफट इस सुई को भी लगा करके इसको भी सेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको घंटे वाली सुई लगानी है। ये देख सकते हैं आप, ये जो जिसमें ज़्यादा वो दिखाई पड़ रहा है, चूँकि लगभग दोनों का साइज सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप जब लगाने लगेंगे तो ये सबसे बड़ा जिसका होल आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है ये सबसे नीचे रहेगी। ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड वाली है जो कि ऊपर रहेगी। तो हम लोग पहले घंटे वाली सुई यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेंगे आराम से। ये देखिए उसके बाद फिर हम लोग ये मिनट वाली सुई लगा देंगे। इस तरीके से ये देखिए मिनट वाली भी सुई लग गई हम लोगों की। उसके बाद फिर ये सेकंड वाली सुई, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों आप लोगों की ये घड़ी जो है एक्रेलिक घड़ी बन करके तैयार हो जाती है, एलईडी एक्रेलिक फ़ोटो वाली घड़ी। तो फटाफट हम लोग जो है पहले इसके अंदर सेल अभी लगा कर हम आपको दिखा देते हैं कि घड़ी किस तरीके से चलती है। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि ये किस तरीके से सेट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलईडी वाला बोर्ड है जिसके अंदर आपको इसको सेट करना होता है कुछ इस तरीके से। जैसे आप कहाँ पर इसको स्टैंड करेंगे तो इस तरीके से आपकी ये घड़ी लग जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितना यूनिक आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है अभी। तो अभी मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को ये दिखता है। तो हम लोग पहले एलईडी इसको लगा करके चेक कर लेते हैं किस तरीके से ग्लो करता है। आपको तार ये देखिए आप लोगों को इतना बड़ा दिया जाता है इसके अंदर, आप लोग इसको ईजिली जो है बोर्ड में लगा करके चेक करेंगे किस तरीके से आप लोगों को ये दिखाई पड़ता है। ये देखिए
वाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना यूनिक दिख रहा है, जहाँ जहाँ पर कटा है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कितना बढ़िया लग रहा है। फोटो आप देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है, और इस पे जो डिजाइन जो कस्टमाइज करके बनाया गया है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आप लोगों को ग्लो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं इस तरीके से दोस्तों जो भी डिज़ाइन आपका रहेगा इस पे लव जो लिखा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर आप जो डिज़ाइन जो कस्टमाइज की गई है घड़ी, आप देख सकते हैं किस तरीके से आप लोगों को ये दिखाई पड़ता है। अगर दोस्तों इसके बाद फिर मैं आपको घड़ी भी अभी चला करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है दिखेगा, घड़ी चलती रहेगी और इस तरीके से LED आपका ग्लो करता है। दोस्तों हम लोग फटाफट जो है इसके अंदर जो है सेल को लगा के देख लेते हैं किस तरीके से आपकी घड़ी काम करती है। ये देखिए, ये सेल है, आपको किस तरीके से लगाना है यहाँ पर देख लीजिए, प्लस और माइनस बना हुआ है, तो इस तरीके से आपको इसको लगाना होगा। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको इसको लगा देना है। ये देखिए, जैसे ही लगाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घड़ी आपकी चलना स्टार्ट हो चुकी है। जो भी टाइम है आपको इजली इसको सेट कर लेना है कि किस तरीके से कितना टाइम हो रहा है। यहाँ पर एक बार सेट करेंगे, कैसे सेट करना है यहाँ पर ये देखिए, ये बटन दी गई है, इसकी सहायता से आप लोगों को इसको घुमा करके सेट कर लेना है टाइम को। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे 8 बजने वाले हैं तो कुछ ही सेकंड यहाँ पर, कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। तो ये देखिए हम लोगों की घड़ी जो है बन करके कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग अब इसकी लाइट भी जला करके चेक कर लेते हैं किस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। लाइट तो अभी मैंने आपको दिखाया था, फिर से मैं एक बार चेक करवा दे रहा हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हैं ये देखिए, कितना यूनिक दिख रहा है। अगर आप इसको निकालेंगे तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, निकालने के बाद देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आप देख रहे हैं LED क्लॉक को इस तरीके से दिखेगा जैसे ही हम लोग इसको LED के अंदर सेट कर देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से जैसे सेट करेंगे, देख सकते हैं कितना बढ़िया कितना यूनिक आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। ये LED एक्रेलिक क्लॉक, टेबल क्लॉक आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये कितना बढ़िया है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके के जो मैं नए नए प्रिंटिंग आइडियाज लेकर के आता रहता हूं आप लोगों से मिस ना हो। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मिलता हूं किसी नए प्रिंटिंग आइडियाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।